दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मेट प्रिंटर कमांड का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। किसी भी टेक्स्ट या नंबर में यदि फॉर्मेटिंग हो रही है तो उस टेक्स्ट या नंबर की जो फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी जगह किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह की फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से फॉर्मेटिंग प्रिंटर कमांड का यूज़ करना। सबसे पहले मैं आपको किसी टेक्स्ट या नंबर में ये जो फॉर्मेट प्रिंटर कमांड है उसको अप्लाई करके बताता हूँ। उसके बाद में ये टेबल में किस प्रकार से इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 111 और यहाँ पे हमने नाम लिख लिया मोहन। मान लीजिए सबसे पहले ये जो नंबर है, नंबर को हम यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर मान लीजिए हमने इटैलिक वाली कमांड का यूज़ किया, इसमें अंडरलाइन कमांड का यूज़ किया। यहाँ पे हमने इसके फॉन्ट को चेंज कर दिया और यहाँ पे फॉन्ट का ये साइज़ है इसको भी हमने चेंज कर दिया है और यहाँ पे हमने इसकी जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज कर दिया है। यहाँ से हमने जो फॉन्ट का कलर है उसको भी चेंज कर दिया है। ये सारी कमांडें हमने इसमें अप्लाई कर दी है। अब मान लीजिए ऐसे ही हमारा ये जो टेक्स्ट है इसमें भी सबसे पहले जो बोल्ड कमांड है इसको यूज करते हैं, इसके बाद में इटैलिक, अंडरलाइन और ये जो फॉन्ट है इसको चेंज करेंगे। इस तरह से और यहाँ पे फॉन्ट का जो साइज है उसको चेंज कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड को चेंज करेंगे इस तरह से। इसके बाद में इसके जो फॉन्ट कलर है इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ये जो फॉन्ट कलर है इसको हमने चेंज कर दिया। दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि जैसे हमने इन टेक्स्ट और नंबर इन दोनों में जो फॉर्मेटिंग की है वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरी जो सेल हैं उनमें अप्लाई हो जाए, तो यदि हम एक एक करके फॉर्मेटिंग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कोई फॉर्मेटिंग हमसे छूट भी जाए। अगर हम सेम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी सबसे जो अच्छी कमांड है वह है फॉर्मेटिंग प्रिंटर कमांड। सबसे पहले हम जो भी नंबर है उसको सेलेक्ट करते हैं सेल को, और सेल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेटिंग प्रिंटर वाली जो कमांड है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये ब्लिंक करने लग गई पूरी सेल और यहाँ पे ये जो वृक्ष जैसा निशान है इसको कहीं भी दूसरी सेल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है वो सभी इसमें अप्लाई हो गई। अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 222 ये जो नंबर लिखा है सेम वही कमांड हमारी जितनी भी कमांड हमने यूज़ की थी, जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की थी सारी अप्लाई हो गई। अब हम चाहते हैं कि जिस सेल में हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है मोहन, और मोहन को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में इस सेल में जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है वो सारी जो फॉर्मेटिंग है किसी दूसरी सेल में शिफ्ट हो जाए, सेम उसी तरह से लिखा जाए, वही चीज़ें लिखी जाए, कोई भी बदलाव ना हो। तो उसके लिए इस जो सेल को हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर वाली जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पूरी सेल ब्लिंक करने लग जाएगी। अब जिस सेल में हमें ये जो कमांड अप्लाई करनी है वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सभी फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई हो गई हैं। और इसके लिए हम इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर राम, तो ये जो पूरी हमारी सेल है इसमें ये जो कमांड है वो अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी सेल में इन कमांडों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेटिंग प्रिंटर कमांड को इस टेबल में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो इसको बताने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें इसका जो बॉर्डर है उसको बोल्ड करना है। हमने इस बॉर्डर को बोल्ड कर लिया, बोल्ड करने के बाद में इसको इटैलिक कर लिया, इटैलिक करने के बाद में इसका फॉन्ट जो है चेंज कर लेते हैं इस तरह से, और इसका फॉन्ट साइज भी हमने चेंज कर लिया, ये इसका फॉन्ट साइज हो गया। अब हम बॉर्डर की बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी हमें बैकग्राउंड लेनी है उस तरह की हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो सीरियल नंबर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करते हैं ऐसे, और इसके बाद में ये जो नंबर है इनको अगर चेंज करना चाहें, नंबर का जो कलर है उसको चेंज करना चाहें तो इस तरह से नंबर कलर को हम चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी सेल को हम जो उसकी बैकग्राउंड है या उनका जो
टैक्स हैं उनको चेंज करना चाहें तो सबसे पहले हम जैसे बैकग्राउंड है इसकी, तो इस बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं इन जो टैक्स है इनके कलर को चेंज करना, तो टैक्स के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आप किसी भी जो हमारी टेबल है उसके किसी भी सेल को उसके चाहे वो टैक्स हो या नंबर हो उनको आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसी टेबल की तरह दूसरी टेबल एक चाहते हैं कि सेम इसी तरह की फॉर्मेटिंग हमारी दूसरी टेबल में भी होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही आसान कमांड है। सबसे पहले हम ये जो टेबल है इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर वाली जो कमांड है उस पर जैसे ही हमने क्लिक किया पूरी टेबल ये सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद में और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो टेबल का जो एरिया है यहाँ पे हमारी टेबल बन करके तैयार हो जाए, तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं। तो ये टेबल का जो फॉर्मेट है वो बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों हमारी जो सेकंड नंबर की टेबल है सेम उसी तरह से तैयार हुई है जो फर्स्ट नंबर की टेबल थी, उसी प्रकार की सारी कमांडें लगी हुई हैं। ये सब संभव हुआ है फॉर्मेट प्रिंटर कमांड द्वारा। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे जो हमने फर्स्ट टेबल में लिखा था सेम उसी तरह की हमारी जो बैकग्राउंड है या जो जितनी भी हमारी कमांड है वही अप्लाई होंगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, तो देखिए उसी प्रकार से बनकर के आया है। आईडी लिखेंगे तो आईडी भी उसी तरह से आएगी। जैसे नेम लिखा तो ये नेम, एज। अब यहाँ पर मान लीजिए हम सीरियल नंबर लिखते हैं, तो सेम जो हमारी फर्स्ट टेबल में सीरियल नंबर लिखे हुए हैं उसी प्रकार के सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। अब ये जो लास्ट वाला है एड्रेस वाला, उसमें अगर हम लिखते हैं जैसे आगरा, तो देखिए सेम उसी तरह से जैसे फर्स्ट वाली टेबल में आगरा लिखा हुआ है, इसी तरह से हमारी जो सेकंड वाली टेबल है उसमें भी वही कमांडें यूज हो रही हैं, वही फॉर्मेटिंग इसमें यूज हो रही है। तो ये जो फॉर्मेटिंग कमांड है बहुत ही काम की कमांड है। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेट प्रिंटर कमांड के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से फॉर्मेट प्रिंटर हमारा काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।